जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार बीजेपी को लेकर आक्रामक तेवर अपनाते हैं। बीते दिनों भी सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक, जो कि बीजेपी पर हमेशा ही आक्रामक तेवर में रहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने सत्यपाल मलिक पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सत्यपाल मलिक को नसीहत दे दी है कि आप कंटेंट राइटर बन जाइए, जो बयानबाजी आप कर रहे हैं वो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर कीजिए और आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। एक नसीहत अब बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को दी, यानी कि अब एक तरीके से बीजेपी और सत्यपाल मलिक के बीच वॉर, सियासी वॉर छिड़ गया है। इस रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सत्यपाल मलिक ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कंटेंट राइटर के रूप में काम कर सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें डर है कि केंद्र सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर एक सम्मेलन में बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्हें डर है कि बीजेपी अगले साल आम चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर हमला या पाकिस्तान के साथ सुनियोजित संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मलिक ने कहा था, मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, वे चुनाव से पहले कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ये उनका स्वभाव है। उन्होंने गुजरात और देश में ऐसा किया है, ये राम मंदिर पर गोला फेंक सकते हैं, बीजेपी के किसी बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ एक सुनियोजित संघर्ष भी हो सकता है। वहीं सत्यपाल मलिक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया के लिए पूछे जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने जवाब में कहा, उन्हें नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्मों में से एक में शामिल होना चाहिए, वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट राइटर बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए